वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर अपोजिशन को चूहा करार दे दिया। कहा सारा दिन ये चूहे मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, ये चूहे इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, ये डरपोक हैं और वो इन चूहों को शिकस्त देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के लिए रिश्वत में 6 अरब रुपए से ज्यादा कमाया गया। तमाम स्कैंडल्स का बाप ये स्कैंडल है, इसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। मरीम नवाज ने दावा किया कि आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। और हुकूमती वक्त की इस्लामाबाद में एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात। एमक्यूएम तर्जुमान ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, तहम अभी कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एमक्यूएम वफ़द के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई है। एमक्यूएम ने वाज़ह किया है कि पीपल्स पार्टी से कोई मुआहदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है।